सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, घरेलू शिक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको बिच्छू काट ले तो आप उसके जहर को कैसे घरेलू उपचार करके उतार सकते हैं। फ्रेंड्स, गांव या शहरों में अक्सर कच्ची जगह या बरसात में घर में बिच्छू निकल आते हैं। अगर ये काट ले तो भयंकर पीड़ा होती है और इनके जहर चढ़ने का भी खतरा रहता है। इनका जहर जानलेवा भी होता है फ्रेंड्स। ऐसे में ये रामबाण उपाय सिर्फ 2 मिनट में ही जहर को उतार देगा और दर्द शांत कर देगा। आइए जाने इन रामबाण उपचार को। तो चलिए दोस्तों, मैं बताती हूँ कि क्या क्या घरेलू नुस्खा है जिस अब जहरीले बिच्छू का जहर सिर्फ 2 मिनट में ही उतार सकते हैं। तो पहला उपाय है, फिटकरी को किसी साफ किए हुए पत्थर पर थोड़ा सा पानी डालकर चंदन की तरह घिस ले, फिर जहाँ पर बिच्छू ने काटा हो वहाँ पर इस फिटकरी का लेप लगाकर आग से थोड़ा सेक ले। कैसे भी जहरीली बिच्छू का काटा हो, इस फिटकरी के प्रयोग से जहर जो है सिर्फ 2 मिनट में ही उतर जाएगी। दूसरा उपाय है, फिटकरी को चिमटी से पकड़कर थोड़ा गर्म कर लीजिए। आप चाहे तो गैस की सहायता से भी गर्म कर सकते हैं, आपके पास जो भी हो। तो आप फिटकरी को चिमटी से पकड़कर थोड़ा उसको गर्म कर लीजिए। जैसे ही फिटकरी पिघलने लगे तो फिटकरी को बिच्छू के काटे हुए स्थान पर लगा दीजिए। फिटकरी तुरंत वहां चिपक जाएगी और पूरा जहर चूसकर अपने आप उतर जाएगी। तीसरा उपाय है, इमली के बीज को साफ पत्थर पर घिसे, घिसते घिसते अंदर का सफेद भाग निकल आएगा, तो उसे भी बिच्छू के काटे हुए स्थान पर लगा देंगे तो यह चिपक जाएगा। जैसे ही नीचे गिरे तो दूसरा बीज घिसकर लगा लीजिए। इस प्रकार से बिच्छू का जहर जो है वो उतर जाएगा। चौथा उपाय है, बिच्छू के डंक मारने पर माचिस की 5-6 तीलियां का मसाला को उतारकर पानी में घिसकर बिच्छू के डंक लगे स्थान पर लगाने से तत्काल बिच्छू का जहर उतर जाता है। इसे मधुमक्खी के काटने पर भी लगाने से जहर फैलता नहीं है और तुरंत आराम मिलता है। पांचवा उपाय है, बारीक पिसा हुआ सेंधा नमक को प्याज के टुकड़े उठाकर बिच्छू के डंक स्थान पर मले, इससे जहर और डंक दोनों ही दूर होंगे। छठवा उपाय है, उग्र विष वाले बिच्छू जिसकी दुम धरती पर घिष्टी चलती है, इनके काटने पर अगर किसी ऐसी जगह काटा हो जहां पट्टी बांध सके तो बांध दे। जैसा ही हाथ या पैर जांग पर जहां काटा गया हो जिसे 4 उंगली ऊपर से बांध दे, ऐसा करने से विष पूरे शरीर में नहीं फैलेगा। सातवां उपाय है, यदि डंक दंश स्थान में रह गया हो तो किसी सेफ्टी पिन या चिमटी को आग की लौ में गर्म करके करने के बाद त्वचा में घुसे हुए डंक को उसकी सहायता से निकाल देना चाहिए और बिना समय नष्ट किए प्रोक्त उपचारों में से एक उपचार कर लेना चाहिए। आठवां उपाय है, लहसुन एक अच्छा एंटीबायोटिक है और यह बिच्छू के काटने में असरदार साबित होता है। बिच्छू के काटने पर लहसुन के 2 चम्मच रस में 2 चम्मच शहद मिलाएं, पीड़ित इंसान को पिलाने से जिससे जहर नहीं फैलेगा और आपको आराम मिलेगा। और इसके अलावा लहसुन की 6 कलियों को पीसे और उसमें नमक मिलाकर प्रभावित जगह में लगाने से दर्द भी कम हो जाता है। नौवां उपाय, यदि किसी व्यक्ति को बिच्छू काट ले तो जिस जगह पर बिच्छू ने डंक मारा है उस जगह पर पुदीने के पत्तों का पेस्ट लगाएं। इसके अलावा पुदीने का रस निकालकर पीड़ित व्यक्ति को पीने को कहें, इससे भी बिच्छू का विष उतर जाता है। दसवां उपाय, मूली को पीसकर उसका पेस्ट बना लें और अब इसमें हल्का सा नमक मिलाकर उस स्थान पर लगाएं जहां बिच्छू ने काटा था, और साथ ही रोगी को मूली भी खिलाएं। ये जहर के प्रभाव को कम करने में मदद करेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी जरूर मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल घरेलू शिक्षा को सब्सक्राइब करें।
और साथ में जो बेल आइकॉन का बटन दिया उसको जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।